मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से आपका पाठ 12, जिसका नाम है सर्वनाम, इसको पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों, सर्वनाम आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? आप चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे मानसी मेरी बहन है, आगे के चित्र में लिखा हुआ वह 7वीं में पढ़ती है, और दूसरे में लिखा हुआ है उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई। तो मानसी संज्ञा है, मेरी बहन है, मानसी मेरी बहन है, ये संज्ञा है, और उसके स्थान पर शब्द का प्रयोग किया गया वह 7वीं में पढ़ती है। ऐसे ही वह, उसे, उसने, ये जो शब्द हैं यही सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम है, और सर्वनाम की परिभाषा आप देखिए अपने बॉक्स में, आप देख रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपने जैसे ऊपर के उसमें लिखा हुआ देखा था, एक वाक्य में कि आपने वहां पर पढ़ा और उसमें देखा मानसी मेरी बहन है, तो मानसी संज्ञा शब्द है, और वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो वह मानसी के लिए प्रयोग किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें भाषा में सुंदरता आती है। ऐसे ही नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। देखिए, सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। सरिता के पति का नाम नवीन है। सरिता की पुत्री का नाम मानसी है। सरिता नौकरी करती है। सरिता का कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है। सरिता ने कार खरीद ली। सरिता कार से कार्यालय जाती है। इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा सरिता सरिता सरिता, यानी संज्ञा का प्रयोग हर बार में किया गया है। तो इन वाक्यों में संज्ञा शब्द यानी सरिता बार बार आया है। तो नीचे लिखे वाक्यों में सरिता के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनसे भाषा की सुंदरता बढ़ गई है। जैसे आप देख रहे हैं कि सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था, उसके पति का नाम नवीन है, उसकी पुत्री का नाम मानसी है, वह नौकरी करती है, उसका कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है, उसने कार खरीद ली है, वह कार से कार्यालय जाती है। तो आपने ये देखा कि उसके, उसकी, वह है, उसका, उसने, वह, ये जो शब्द आए हैं सरिता के स्थान पर इनका प्रयोग किया गया है, और यही सारे रंगीन शब्द जो हैं वो सर्वनाम हैं। तो आपने इनको समझ लिया है। आइए अब देखते हैं कि इन वाक्यों में उस, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, उसके, उसकी, वह, उसका, उसने सर्वनाम शब्द हैं, ये संज्ञा शब्द सरिता के स्थान पर आए हैं। इसीलिए परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिएगा सर्वनाम शब्द क्या है, कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं, वो निम्नलिखित है, मैं, हम, तू, तुम, आप, ये, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि, अनेका अनेक शब्द सर्वनाम होते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द इन शब्दों से बने हैं। लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से उनके रूप भी बदलते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। आइए इन सभी सर्वनामों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को देखिए और समझिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं।
बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है। बोलने वाला, सुनने वाले, तीन चीजें इसमें आ रही हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके विषय में बात की जाती है, होती है। इनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी तीनों के विषय में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाए, ये तीनों क्या होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। मैं अपने लिए, हम अपने लिए, तू सुनने वाले के लिए या तुम, और वह या वे जिनके लिए बात की जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो देखिए, उत्तम पुरुष पहला वाला, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, परिभाषा समझ लीजिएगा भली भांति, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, वक्ता बोलने वाला या लेखक अर्थात लिखने वाला अपने लिए करता है, स्वयं अपने लिए, खुद के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, तो ये जो होगा क्या होगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, मैं बता तो रहा हूं, मैंने उसका गाना सुना, हम चलेंगे, हमने पत्र लिखा, तो इसमें बोलने वाले ने स्वयं अपने लिए बात की है। रंगीन शब्दों में आप देख रहे हैं सर्वनाम शब्द है, मैं, मैंने, हम और हमने, ये बोलने वाला स्वयं कह रहा है अपने लिए, तो यहां पर क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। दूसरा आप देखिएगा, इन वाक्यों में मैं, हम, मैंने, हमने उत्तम पुरुष है, मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हम, हमारा, हमने, हमसे आदि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप हैं। दूसरा बच्चों आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को भी आप समझ लीजिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, अर्थात सामने वाले के लिए किया जाता है, जो हमारी बात को सुन रहा है, जिसको हम अपनी बात सुना रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं, है ना, तो जो हमारी बात को सुन रहा है अर्थात सुनने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। मतलब कहने वाला यानी बोलने वाला उत्तम पुरुष और बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे उदाहरण में आप देखें, चित्र के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, तू कल किस समय आएगा, तू है ना, जिससे बात की जा रही है, तुमने ठीक ही सुना, तुम कहोगे तो आऊंगा, तुम्हारा गाना सुन रहा हूं, तो जो बोल रहा है वो किसी दूसरे से, सामने वाले से जो बात कर रहा है, उसमें सर्वनाम शब्द तू, तुमने, तुम और तुम्हारा, है ना, इन वाक्यों में ये शब्द आए हैं, तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, यही मध्यम पुरुष सर्वनाम है, और आप, आपने, आपके आदि भी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के ही रूप है। अग्रिम वाला देखेंगे, तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष माने कोई दूसरा व्यक्ति, जिसके विषय में कोई बात की जाती है, जिसके संबंध में कोई बात की जाती है, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। देख रहे हैं आप, जिस सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता अन्य शब्द व्यक्ति के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य माने जिसके विषय में बात की जा रही है, जो बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है और जिसके संबंध में बात कर रहा है, जिसके विषय में बात कर रहा है, वह अन्य पुरुष होता है। वह आकर सो गई, उन्हें खाना खिलाओ, वे उधर जा रहे थे, उसे पुस्तक दो,
इन वाक्यों में आप देख रहे हैं वह, वे, उन्हें, उसे, ये सभी शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। उन्होंने, उनकी, इससे, इनके लिए आदि भी अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। आपने 6 भेद पढ़े हैं, उसका पहला भेद आपने पढ़ा, उसके उपभेद भी आपने 3 पढ़ लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब निश्चय कह देने से ही पता लगता है, डेफिनेट, पक्का, निश्चय है किसी भी चीज के विषय में निश्चित पूर्ण बात कहना, है ना। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करे, है ना, कोई संदेह जिसमें ना हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये कमीज, मेरी कमीज वह है, मेरी कमीज वह, यानी ये पक्का है कि वही मेरी कमीज है। और यह नवल किशोर का मकान है, तो ये भी क्लियर है कि नवल किशोर का ही मकान है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो वह, यह है, दो बार जो आया है दोनों वाक्यों में, ये दोनों यानी तीनों जो हैं, क्या हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रतीक हैं। तीसरा है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, एक अभी आपने पढ़ा निश्चय, जिनमें वस्तुओं का, व्यक्ति का निश्चित पता चलता है, और इसमें अनिश्चित माने अनिश्चित तक का, इनडेफिनेट, पक्का पता नहीं है, है ना। तो वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व घटना का पता सही सही यानी पक्का पता नहीं चलता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी ने कूड़ा फेंका है, किसने फेंका है कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है, निश्चय नहीं है। कोई उस ओर गया है, दूध में कुछ गिर गया, इन वाक्यों में किसी, कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा सर्वनाम आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा परिभाषा कि जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, आप देख रहे हैं ना, इसमें क्लियर हो रहा है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, ये संबंध है, है ना। जिसका संबंध, मेहनत करने वाले का संबंध सफल होने से है, जो करेगा वही सफल होगा। तो ये जो और वह, ये आपस में संबंध रखता है, जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा। तो अर्थात इन वाक्यों में आए जो, वह, सो, जो आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और पांचवा आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन वाला, है ना। आप जानते हैं जिन, जहां कहीं प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, रंगीन शब्द आप देख रहे हैं क्या, इतना अच्छा खाना किसने बनाया, किसने, कौन शोर मचा रहा है, कौन, कौन शोर मचा रहा था, इन, इस ताले की चाबी किसके पास है, इन वाक्यों में आए क्या, कौन, किसने और किसके शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा वाला और अंतिम आप देख रहे हैं निज। निज माने होता है अपना, निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें अपनापन होता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, कर्ता, है ना, तो
उस जहां पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए या जताने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने उत्तर स्वयं निकाला, वह खुद चला जाएगा। उसने खाना आप बनाया, वे अपने आप लौट आएंगे। इन वाक्यों में स्वयं, आप, खुद, अपने आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। विशेष ध्यान दें कि सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक में कोई रूप नहीं होता। आपको विशेष बात क्या बताई जा रही है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक में कोई रूप नहीं होता। संबोधन जो होता है उसका कोई भी रूप नहीं होता। ये ध्यान रखने वाला है कि संबोधन जो कारक होता है उसमें इसका कोई भी रूप नहीं होता। आइए सर्वनामों का रूप परिवर्तन। मैं जो शब्द है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, इसमें आपको प्रत्येक के बारे में उनके रूप बताए जा रहे हैं, कर्ता से लेकर के अधिकरण तक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इसके बाद संबोधन है तो कोई रूप नहीं है, इसलिए उसको गायब कर दिया गया है। आपने कारक पढ़े होंगे, कारक पढ़े हैं तो आपको पता है कि 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो संबोधन इसीलिए काट दिया है कि ऊपर बता दिया गया है विशेष में कि इसका कोई भी रूप कारक में संबोधन का नहीं होता है सर्वनाम शब्दों में। तो आप सारे के सारे रूप इस तरह एक वचन में और बहुवचन में आप देख रहे हैं, कारक लिखे हुए हैं, कारकों के नाम लिखे हैं और एक वचन बहुवचन के उनके रूप हैं। आपको समझ में आ जाएंगे कर्ता कारक में मैं, मैंने, इसको बहुवचन में हम और हमने, कर्म कारक में मुझे और मुझको तो हमें और हमको, करण कारक में मुझसे मेरे द्वारा तो इसमें आएगा मुझसे हमारे, हमसे हमारे द्वारा, संप्रदान कारक में आपने कारक पीछे पढ़ चुके हैं, को या मेरे लिए या मुझे, हमको, हमारे लिए या हमें, अपादान में मुझसे और बहुवचन में हमसे, संबंध में मेरा, मेरी, मेरे तो बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे, ऐसी अधिकरण में मुझसे, मुझ में, मुझ पर तो इसमें आएगा हम में और हम पर। मध्यम पुरुष में तू यानी सामने वाला, जिससे बात की जाए, तुम या तू या तुझे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो एक वचन बहुवचन में इनका क्या रूप होगा? कारक चिन्ह आपके सामने, आप देखते जाएंगे कर्ता कारक में तू, तूने, तुम, तुमने, कर्म कारक में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, करण कारक में तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, संप्रदान कारक में तुझे या तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, अपादान कारक में तुझसे और यहाँ आएगा तुमसे, तो संबंध कारक में एक वचन में रहेगा तेरा, तेरी, तेरे, तो बहुवचन में हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और अधिकरण कारक में तुझसे, तुझ पर, तुमसे, तुम पर। ध्यान दे बच्चों, विशेष में तू का प्रयोग आजकल बहुत कम होता है। शिष्टाचार तू के स्थान पर तुम का प्रयोग सर्वमान्य हो गया है। तू इसका प्रयोग करते हैं, जैसे अब तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता, प्रेम या निरादर के लिए किया जाता है। बहुत अधिक प्रेम किसी से होता है और बिल्कुल भी उसमें कोई मतलब हम कह सकते हैं कि तू जब हम कहेंगे तो प्रेम ज्यादा होगा, अपनापन ज्यादा होगा, इसलिए हम उसका प्रयोग करेंगे। जैसे तू तो मेरा प्यारा बेटा है, तू भाग जा यहाँ से, फिर कभी ना आना। तू का प्रयोग ईश्वर को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है, जैसे तू ही मेरा रखवाला है, हैं? हे ईश्वर, तूने ये क्या किया, भिन्न प्रकार से। तो अपनापन या निकटता प्रकट करने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है और सम्मान सूचक या आदर के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
अन्य पुरुष सर्वनामचक में वह का प्रयोग होता है। तो देखिएगा ये आगे दिए जा रहे हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान कारकों में कर्ता कारक में एक वचन बहुवचन वह उसने वे उन्होंने, कर्म में उसको उसे और उनको उन्हें, करण में उससे उसके द्वारा उनसे उनके द्वारा, संप्रदान में उसे उसको उसके लिए उन्हें उनको उनके लिए। इसी क्रम में आगे देखेंगे बच्चों अपादान कारक में उससे उनसे, संबंध में उसका उसकी उसके, तो बहुवचन में हो जाएगा उनका उनकी उनके, अधिकरण में एक वचन में उसमें उस पर और बहुवचन में उनमें या उन पर। वह निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में अब कारक आप स्वयं देखेंगे, एक वचन बहुवचन के शब्द में ये इसने, ये इन्होंने, इसे इसकी, इन्हें इनको, इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा, संप्रदान में इसे इसको इसके लिए, इन्हें इनको इनके लिए, अपादान में इससे या इनसे, तो संबंध में इसका इसकी इसके, इनका इनकी इनके, और अधिकरण में इससे इस पर तथा इनमें इन पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का चिन्ह होता है कोई कुछ, है ना, तो इसमें देखिएगा कोई किसी ने, कोई किन्हीं ने, किसी को किन्हीं को, किसी से किसी के द्वारा, किसी किन्हीं से किन्हीं के द्वारा, किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए, किसी से किन्हीं से, और एक वचन बहुवचन में देखे किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, और किसी में किस पर, किसी पर, किन्हीं में किन्हीं पर। जो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध होता है बीच में, उनमें जो शब्द एक वचन बहुवचन के इस प्रकार हैं, जो जिसने, जो जिन्होंने, जिसे जिसको, जिन्हें जिनको, जिसमें जिनमें, जिसको जिसके लिए, जिनको जिनके लिए, जिससे जिस, जिनमें, जिसका जिसकी जिसके, जिनका जिनकी जिनके, और जिनमें जिस पर, जिनमें जिन पर। प्यारे बच्चों, ये जो बारहवीं अभ्यास के जो प्रश्न हैं, ये हम यद्यपि आपको प्रश्न उत्तर में आपको पीडीएफ में दिखा रहे हैं, फिर भी आप इनको एक बार कर ले और जब उधर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अभ्यास 12 का प्रश्न संख्या 1 है जो हम आपको पीडीएफ में दिखाएंगे, मगर अभी आप अभ्यास को देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पुरुषवाचक सर्वनामों को रेखांकित तथा कीजिए तथा उनके भेदों के नाम लिखिए। इसमें रेखांकित करने को कहा गया है, वहां पर हमने आपको ये बताया है, आप देखेंगे जब आएगा सामने तो आप देखेंगे कि छांटना है आपको, उसमें जो वाक्य होंगे पुरुषवाचक सर्वनामों को छांट करके आपको उनके भेदों के नाम लिखने हैं। इसमें आप देख रहे हैं पेंसिल से अंडरलाइन है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम पर, जैसे वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया में वह ये शब्द है, तो वह जो है अन्य पुरुष है, क्योंकि ये किसी अन्य के विषय में बात की जा रही है, वह दिल्ली गया। और आगे दूसरे में देखेंगे हमने कथा सुनी, हमने माने ये बहुवचन का, हम सब ने कथा सुनी, उत्तम पुरुष का हो गया, अपने लिए स्वयं के लिए बात हो रही है। और तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, जिससे बात की जाती है, आपने दूसरा देखा ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है, वह आकर्ष हो गई, वह अन्य, तीसरे के विषय में बात हो रही है तो अन्य पुरुष होगा, और वे शाम को आएंगे, वे शाम को आएंगे, ये भी अन्य पुरुष का उदाहरण है। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं तू किस बस से आया है, आप देख रहे हैं तू, यद्यपि इसमें हम क्या छांट रहे हैं तू, तो इस हिसाब से वैसे हमने पूछे किस बस से आया है, प्रश्नवाचक हुआ,
किस बस से आया है, लेकिन तू को हमने अंडरलाइन किया है तू, तो इसका मतलब ये कौन सा पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष हो गया। सामने वाले से दूसरे व्यक्ति से बात की जाती है जो कर रहा है, तू किस बस से आया, तो ये मध्यम पुरुष भी हो गया है। और इसमें आपको ऊपर दिखाया भी जा रहा है, लिखा हुआ है मध्यम पुरुष जो छिप गया था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, किसके वैसे ही आपको लिख दिया, पता लगेगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और मुझे दूध दो, मुझे दूध दो, मुझे शब्द जो है ये उत्तम पुरुष है, और उन्होंने फल खाए ये अन्य पुरुष है बहुवचन का। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मुझ में स्वयं के लिए अपने लिए बात की गई है, इसलिए उत्तम पुरुष है। तुमसे पाठ क्यों नहीं पढ़ा जाता है, तुमसे ये सामने वाले से बात हो रही है, दूसरे व्यक्ति से जो हमारी बात को सुन रहा है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। गुरुजी ने आपको बुलाया है, ये भी मध्यम पुरुष है जो हमारी बात को सुन रहा है, बात को सुनने वाला। हरि उसके घर गया, हरि ये हरि जो है संज्ञा शब्द है, यद्यपि उसके घर गया तो ये अन्य पुरुष है उसके, है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद चुनकर लिखिए। रंगीन शब्द आप देखिएगा, वह भाग कर गेंद उठा लाया, वह तो कौन सा पुरुष है, तीसरे के लिए बात की जा रही है, अन्य पुरुष है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, ये गलत है, है ना। ना पुरुषवाचक है, ना निजवाचक है, ना निश्चयवाचक है, आप इनके विषय में पढ़ चुके हैं। वह शब्द जो है जो रंगीन हम देख रहे हैं अन्य पुरुष का उदाहरण है। और अध्यापिका के साथ कौन जा रही है, अब कौन देख रहे हैं आप, प्रश्न को संकेत कर रहा है प्रश्न की ओर, इसलिए ये प्रश्नवाचक होगा। और ये निराला जी की लिखी कविता है, ये तो ये निश्चयवाचक है कि निराला जी की ही लिखी हुई कविता है, इसलिए इसमें यह का प्रयोग हुआ है, यह सर्वनाम का। जिन्होंने यहाँ आश्रम बनाया था वे वृंदावन चले गए, वृंदावन जिन्होंने यहाँ आश्रम बनाया था वे वृंदावन चल गए, चले गए कि चल गए, है ना, वे वृंदावन चले गए, इसमें ऐसा होगा, थोड़ा सा शुद्धि है। जिन्होंने यहाँ आश्रम बनाया था वे वृंदावन चले गए, तो ये वे है जिन्होंने और वे, तो इसमें ये संबंध है, जिन्हों से, जिन्होंने से वे का संबंध है, तो संबंधवाचक हो गया। और वह स्वयं अपना काम करती है, स्वयं माने खुद अपना काम, निजवाचक, ऐसे वाक्य क्या है, निजवाचक है। तो किसी ने यहाँ कूड़ा फेंका है, किसी ने कूड़ा फेंका है, किसी ने, आप रंगीन शब्द देखिए तो ये पक्का पता नहीं है कि किसने फेंका है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सुनंदा की पुस्तक किसके पास है, किसके पास है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक होगा। और अग्रिम वाला देखेंगे, जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, तो जो का संबंध वे से का माना है, संबंधवाचक है, संबंधवाचक। और अगला वाला, वह मेरा विद्यालय है, वह किसका विद्यालय है, मेरा विद्यालय है, जो वह की ओर संकेत किया है, ये निजवाचक है, और क्षमा करें निश्चय पक्का किया गया है, निजवाचक नहीं बल्कि क्या है, निश्चयवाचक है, निश्चय वही मेरा विद्यालय है। वह पढ़ने में बहुत तेज है, जैसा है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, अन्य पुरुषवाचक, कैसा है, उसके विषय में बात की जा रही है तीसरे के विषय में, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक है। तीसरा प्रश्न भी देखिएगा बेटा, सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखना है, तो इसमें आपने देखा सर्वनाम शब्दों को ढूंढिए और ढूंढ करके उनके आगे बदल करके क्या करेंगे, उनको बदल देंगे। एक वचन है तो बहुवचन कर देंगे, बहुवचन होगा तो एक वचन कर देंगे, और आपने पढ़े भी हैं पीछे सूची में, उसने भोजन पकाया तो आप कहेंगे उन्होंने भोजन पकाया, इन्होंने सीमा को पढ़ाया तो आप कर देंगे इसने सीमा को पढ़ाया, है ना। किसी से कपड़े धुलवाइए,
तो किसी की जगह किन्हीं से कपड़े धुलवाइए, बहुवचन में बदल दिया। ये राजा के भवन है, तो आप कहेंगे यह राजा का भवन है, एक राजा की बात है। वचन बदले जा रहे हैं केवल इनके लिंग, है ना, इनको एक वचन और बहुवचन में हम परिवर्तित कर रहे हैं। ये राजा के भवन है, तो आप कहेंगे यह राजा का भवन है, और यह पंडित है, तो ये पंडित हैं। चाय किने दूं, चाय किसे दूं, उसे बुला लाइए, तो उन्हें बुला लाइए। इसकी पुस्तक खो गई, आप कहेंगे इसकी पुस्तकें खो गईं। और फिर फल मेरे लिए हैं, आप कह देंगे फल मेरे लिए हैं, हमारे फल हमारे लिए हैं, किसके लिए हैं, फल हमारे लिए हैं। और ये देखिएगा, हम मुझसे धन मत मांगिए, एक वचन में मुझसे, तो यहाँ आप बहुवचन कर देंगे, हमसे धन मत मांगिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये पाठ और उसकी एक्सरसाइज यानी अभ्यास ये 12 समाप्त हो जाती है। आइए अब इसके प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण के पाठ 12 सर्वनाम की अभ्यास प्रश्न आपके सामने हैं। उसका पहला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यद्यपि आपकी अभ्यास में नहीं है, फिर भी मैं आपसे ये प्रश्न करवा रहा हूं कि जिन बच्चों को अगर नहीं याद है तो वो अपनी याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यद्यपि अधिकांश बच्चों को सर्वनाम की परिभाषा याद होगी, ये कक्षा 2 से या 3 से संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा बच्चों को, संज्ञा है, सर्वनाम है, एक वचन, वचन, बहुवचन, लिंग, है ना, ये सब पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को याद ही हो जाते हैं, सबसे सरल टॉपिक होते हैं ये। तो सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। प्रतीक के नाम आप लिख रहे हैं, 6 भेद होते हैं, 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें थोड़ी प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए तथा प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीनों के विषय में देखिएगा, उत्तम पुरुष पहला पुरुष है, उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं तो बता रहा हूँ, मैंने उसका गाना सुना। मध्यम पुरुष में देखें, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कल किस समय आएगा, तुमने ठीक ही सुना। अन्य पुरुष तीसरा वाला पुरुष है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आकर सो गई, उन्हें खाना खिलाओ। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पुरुषवाचक सर्वनामों के भेदों के नाम लिखिए। इसमें देखिएगा, वाक्य अलग दिए गए हैं और उनके भेदों के नाम अलग दे दिए गए हैं। आप देखिएगा, वह दिल्ली गया, अन्य पुरुष हमने कथा सुनी, उत्तम पुरुष तुम्हारा नाम क्या है, मध्यम पुरुष वह आकर सो गई, अन्य पुरुष वे शाम को आएंगे, अन्य पुरुष तू किस बस से आया, मध्यम पुरुष
मुझे दूध दो। उत्तम पुरुष, उन्होंने फल खाए। अन्य पुरुष, मुझमें इतनी शक्ति नहीं। उत्तम पुरुष, और तुमसे पाठ क्यों नहीं पढ़ा जाता है? मध्यम पुरुष, गुरु जी ने आपको बुलाया। मध्यम पुरुष, हरि उसके घर गया। अन्य पुरुष, प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर गृह कार्य के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। ये हम पीछे आपको एक्सरसाइज में करवा चुके हैं, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसने भोजन पकाया, उन्होंने भोजन पकाया। इन्होंने सीमा को पढ़ाया, हैं, इसने सीमा को पढ़ाया। इस तरह से आप जो पहले सर्वनाम शब्द हैं उनका एक वचन है तो बहुवचन कर देंगे, और बहुवचन है तो एक वचन कर देंगे। पीछे आप इसको पढ़ के आ चुके हैं। अगला प्रश्न संख्या देखिएगा दो। प्रश्न नंबर दो, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। तो निश्चयवाचक, जिन चीजों का हमें पक्का पता होता है। अनिश्चयवाचक, जिनके विषय में हमें पक्का ज्ञान नहीं होता है। तो इनकी परिभाषाएं आप दोनों की लिख देंगे, एक एक उदाहरण लिख देंगे उदाहरण के साथ, तो इनमें दोनों में अंतर भी क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या तीन है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिख करके उसका उदाहरण लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका ये गृह कार्य का काम भी गृह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब आपको आशा है कि ये पाठ पूर्ण हो गया है। अच्छी तरह से सर्वनाम वाला पाठ आपको समझ में आया होगा। सर्वनाम, इसके अंतर्गत आपने पढ़े सर्वनाम की परिभाषा किसे कहते हैं, और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं, उनके भेदों के उपभेद पढ़े, उनके विषय में पढ़ा, और फिर उनके सभी के क्रमशः एक वचन और बहुवचन वाले रूप भी आपने पढ़े। प्रश्नोत्तरों को आप समझ चुके हैं। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह ये पाठ समझ में आया होगा। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आप बार बार इसका अध्ययन करेंगे, पीडीएफ देखेंगे, वीडियो देखेंगे। जितना आप इसका अध्ययन करेंगे पाठ आपका उतना ही अच्छा कंठस्थ होगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।